हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी हैं। सर, क्या कहेंगे इस पूरे समीकरण और जीत को? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत दमदार है, शानदार है, जानदार है और परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। और कार्यकर्ता जहां लग जाता है, मन से लगता है, भारतीय जनता पार्टी को अपना माँ समझता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है और निस्वार्थ भाव से करता है, जिसका परिणाम है क्या सभी सीटें हम जीत रहे हैं और हमारे नेता आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता है जिसका हम चुनाव जीत रहे हैं। निश्चित तौर पे प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर पे कहना है कि योगी आदित्यनाथ की मेहनत, सरकार के कामकाज पे जनता ने अपना फैसला दिया है। कैमरा पर्सन देशराज के साथ पवन सिंह सिंगर, जी मीडिया, लखनऊ। तो आपको बता दें कि स्वतंत्र देव सिंह को आपने सुना, जो कि कह रहे हैं कार्यकर्ताओं का परिश्रम कार्यकर्ताओं की मेहनत ही है और इसके साथ ही उन्होंने इस सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही सीएम योगी को दिया है कि उनकी लोकप्रियता इस कदर है कि जनता भी उनके साथ है। और इस बीच सतीश द्विवेदी ने क्या कुछ कहा, अब ये भी जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की तस्वीर अब साफ हो गई है। हमारे साथ बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। सर, तमाम दावे किए जा रहे थे विपक्ष के द्वारा, सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, अब जनादेश आया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा विपक्ष तो हमेशा आरोप लगाकर ही अपनी हार को छिपाता है, यद्यपि कि उनको अपने हार के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो जब कहीं जीत जाते हैं कोई एक चुनाव तो उनको ईवीएम अच्छा लगता है, जब हम चुनाव जीत जाते हैं तो उनको खराब लगता है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि तमाम जातीय विद्वेष फैलाने की कोशिश की गई, जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई, जिस सरकार ने 3.5 साल में 3.5 लोगों को सरकारी नौकरी दी और करोड़ों लोगों को रोजगार दिया, मनरेगा और बैंक के लोन अन्य माध्यमों से, कोविड की महामारी में मोदी सरकार और योगी सरकार ने शानदार काम करते हुए सबके जीवन की तो रक्षा की ही, लोगों की जीविका की भी रक्षा की, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जाति और संप्रदाय का जहर फैलाने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही थी, जनता ने सपा को करारा तमाचा लगाया है और ये बताया है कि अब उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति नहीं होगी, विकास की राजनीति होगी। लिटमस टेस्ट माना जा रहा था ये सेमीफाइनल सत्ता का 2022 का, अब इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि समीकरण अगर एक तरीके से देखा जाए तो 2017 के तरह से ही जनादेश 3.5-4 साल की सरकार होने के बाद भी जनता ने दिया है। बिल्कुल, जब सरकार के लगभग 4 साल के कार्यकाल पूरे हो रहे हों, उस समय अगर प्रचंड समर्थन जनता का मिल रहा है, जबकि सामान्यतया सरकारों की एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है आधी अवधि के बाद, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उत्तर प्रदेश की जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे नेतृत्व के प्रति, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति जनता का विश्वास और भी बढ़ा है और 22 के चुनाव में हम 2017 से बड़े समर्थन के साथ फिर से सत्ता में आने वाले होंगे। निश्चित तौर पे जो जनता का समर्थन मिला है उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सरकार में मंत्री हैं उन सभी लोगों को अब लग रहा है कि सत्ता का सेमीफाइनल जीत लिए हैं, लिहाजा 2022 का जो चुनाव होगा 2017 से भी बड़े बहुमत से जीतने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन देशराज के साथ पवन सिंह सेंगर, जी मीडिया, लखनऊ।